सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किस तरीके के वर्ड्स बोले जाते हैं? आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा वल्नरेबल, है ना, शी इज़ वेरी वल्नरेबल और शी इज़ ट्राइंग टू बी वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है आघातनीय या कमज़ोर या अति संवेदनशील, जिसे आप बहुत जल्दी नुकसान पहुँचा सकते हो, या फिर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपरिहार्य या जिसे आप टाल नहीं सकते हो, है ना। द ट्रूथ इज इनएविटेबल, ये सच जो है वो टाला नहीं जा सकता। डोमिनेट, उसने तो सारा मैच डोमिनेट कर दिया, या शी ट्राइज टू डोमिनेट मी, वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो डोमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर हावी होना। इस तरीके के वर्ड्स ही है ना जो सब लोग यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि हमसे ये क्यों नहीं बन रहा। और इनकेस अगर इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होता भी है ना, तो भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसे यूज़ नहीं करते हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन्हें इंग्लिश में या ऐसे बोलचाल में कैसे यूज़ करना है। अगर आप अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और इस तरीके के मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेसन आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस ऐसे ही मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूँ। अगर आप रेडी हैं तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है उत्साहपूर्वक किसी चीज़ को स्वीकार करना या गले से लगाना या आलिंगन में लेना, है ना, गले से लगाना उसको हम बोलते हैं एम्ब्रेस करना। या किसी चीज़ को आप विलिंगफुली बहुत उत्साहपूर्वक एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, तो वहाँ भी एम्ब्रेस यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड फेल्ट सेफ इन हिज मदर्स एम्ब्रेस। जो बच्चा है वो मदर्स एम्ब्रेस में यानी अपनी माँ के आलिंगन में सुरक्षित महसूस किया बच्चे ने, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनी पीपल आर अनविलिंग टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे लोग हैं नई तकनीकी को या नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी उसे एम्ब्रेस नहीं करते हैं, यानी विलिंगफुली एक्सेप्ट नहीं करने के इच्छुक हैं। तो इस तरीके से आप एम्ब्रेस वर्ड का यूज़ करते हो, बहुत अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनईजी। अनईजी का मतलब होता है बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। आई एम फीलिंग वेरी अनईजी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी लग रही है, या मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, तो अनईजी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन। आई एम अनईजी यानी इस फैसले को लेके मैं अनईजी हूँ, मैं असहज हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज प्रेजेंस मेड हर फील अनईजी। हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति ने उसे असहज महसूस कराया, या उसे बहुत बेचैनी हो रही थी उसे देखकर, वो सहज नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से अनईजी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में डोमिनेट। मैंने डोमिनेट का मीनिंग आपको बताया था, किसी चीज़ पर हावी होना या प्रभुत्व रखना। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी, वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। ही नेवर लेट हिज वर्क डोमिनेट हिज लाइफ। ही नेवर लेट हिज वर्क डोमिनेट हिज लाइफ, वो कभी भी अपने काम को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देता, है ना, वो अपने काम को, अपनी लाइफ को डोमिनेट नहीं करने देता। या उसने तो, मैंने आपको बताया, उसने सारा मैच डोमिनेट कर दिया, उसने तो पूरा फैशन शो ही डोमिनेट कर दिया, मतलब वो पूरे फैशन शो पे हावी था, वो ही दिख रहा था, बाकी लोग नहीं दिख रहे थे। तो ऐसे डोमिनेट यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, वाजिब या ठीक। ये तो आपको पता है ना, भैया प्लीज़ रीजनेबल प्राइस बताइए, है ना, तो रीजनेबल आपको पता है, उचित वाजिब। क्या आपको पता है कि रीजनेबल का मतलब तर्कसंगत या समझदार भी होता है? एग्जाम्पल देखिए, दैट्स नॉट रीजनेबल, दैट्स नॉट रीजनेबल, ये उचित नहीं है, या आपको हो सकता है महंगा लग रहा हो, तो आप बोलते हो ना रीजनेबल नहीं है, दैट्स नॉट रीजनेबल। या शी सीम्स लाइक अ रीजनेबल पर्सन, शी सीम्स लाइक अ रीजनेबल पर्सन, वो एक समझदार रीजनेबल इंसान लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीजनेबल यूज करते हो, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंपेरेटिवली। जब आप दो चीज़ों की तुलना करते हो तब आप कंपेरेटिवली वर्ड का यूज़ करते हो, है ना। आज तुम कंपेरेटिवली ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, कंपेरेटिवली मतलब बाकी दिनों की तुलना में आज तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो कंपेरेटिवली ऐसे होता है तुलनात्मक रूप से बोलने के लिए, या अपेक्षाकृत दो चीज़ों की, दो लोगों की, या किन्हीं भी दो चीज़ों की अगर आप तुलना करते हो तो वहाँ कंपेरेटिवली वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, इन्फ्लेशन वॉज कंपेरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई पिछले साल
तुलनात्मक रूप से कम थी, तुलनात्मक रूप से कम थी, यानी हो सकता है पिछले साल भी ज्यादा ही थी, पर तुलनात्मक रूप से अब भी इस साल की तुलना में तो वो कम थी। तो तुलना, जब आप दो चीजों की तुलना करते हो तब कंपैरेटिवली यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, द वेदर इज कंपैरेटिवली कूलर टुडे। तो वेदर इज कंपैरेटिवली कूलर टुडे, आज का जो मौसम है वो अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा है। कूलर, यहाँ पर देखो ये सेकेंड डिग्री यूज हुई है, कूल, कूलर, कूलेस्ट। ये मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको काफी कुछ यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, अनिवार्य या जो टल नहीं सकता या जो अपरिहार्य है, जिसे आप नहीं टाल सकते हो वो इनएविटेबल कहलाता है। एग्जाम्पल, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता जो है वो किसी भी विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसे आप टाल नहीं सकते हो। शादियों में सबको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं दोनों पक्षों को, सो कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव टू एक्सेप्ट द इनएविटेबल। यू हैव टू एक्सेप्ट द इनएविटेबल यानी जो अपरिहार्य है, जिसे आप टाल नहीं सकते हो, उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे थर्ड एग्जाम्पल, डेथ इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का मृत्यु एक अपरिहार्य हिस्सा है, उसे आप टाल नहीं सकते हो। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक या आरामदेह। एग्जाम्पल, विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू, क्या ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा? क्या टू स्टार्ट वर्क टुमारो, कल से काम करना क्या आपके लिए सुविधाजनक रहेगा? क्या ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा? तो ऐसे आप कन्वीनियंट विदाउट इंग्लिश भी बोल सकते हो ना, ये क्या आपके लिए कल मार्केट जाना कन्वीनियंट रहेगा? तो कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक या आरामदेह। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लोकेशन ऑफ द होटल इज वेरी कन्वीनियंट फॉर टूरिस्ट। ये जो होटल का जो लोकेशन है वो पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, आघात योग्य, कमजोर, अति संवेदनशील या जो आसानी से घायल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो बच्चे होते हैं ना वो समाज के सबसे ज्यादा कमजोर या आघातनीय सदस्य हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी हर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, She was very vulnerable, मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। हो सकता है बीमारी के बाद, किसी इलनेस के बाद वो वीक फील कर रही हो, तो हम बोलते हैं शी वॉज वेरी वल्नरेबल, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसे आप बहुत जल्दी नुकसान पहुँचा सकते थे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ या स्थायी, जो बहुत ज़्यादा चल सकता हो। जैसे कोई शॉपिंग कर रहे हो आप, तो बोलते हो ना भैया ये बैग ड्यूरेबल तो है ना, है ना, ये बैग ड्यूरेबल है, मतलब क्या ये बैग टिकाऊ है, लंबा चलेगा। एग्जाम्पल, द शूज आर वेरी ड्यूरेबल। दुकानदार आपको अक्सर बोलता है भैया ये बहुत टिकाऊ है, बहुत चलेगा, है ना, तो द शूज आर वेरी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो लंबा चलेगा, खराब नहीं होगी कोई चीज। दिस बैग इज मेड ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल। ये जो बैग है वो ड्यूरेबल मटेरियल का बना हुआ है, यानी एकदम टिकाऊ सामग्री का बना हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बहुत ज्यादा एकदम ऐसे बिल्कुल उत्तेजित करने वाली बातें बोल रहा हो, तो आप बोल दो ना मुझे प्रोवोक मत करो। प्रोवोक मतलब भड़काना, उकसाना। एग्जाम्पल, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू। उसे प्रोवोक मत करो, उसे भड़काओ मत, वो आपको हिट कर सकता है या मार सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड इट डिलिबरेटली। डिलिबरेट का मतलब क्या होता है, डिलिबरेट का मतलब होता है जान बूझ कर, ठीक है, ये भी एक नया वर्ड है। शी सेड इट डिलिबरेटली, उसने जान बूझ कर कहा टू प्रोवोक मी, मुझे भड़काने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोवोक एक अच्छा वर्ड है, और डिलिबरेट भी बहुत ज्यादा यूज होता है बोलचाल में। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एकदम दृढ़ निश्चय, है ना। जैसे मैं तो इंग्लिश सीखने को लेके एकदम डिटर्मिन हूँ, डिटर्माइन, डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प या एकदम पक्का इरादा। एग्जाम्पल, आई एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। मैं उसके दृढ़ निश्चय की या दृढ़ संकल्प की या पक्का इरादे की एकदम प्रशंसा करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कुछ करने के लिए। द टीम प्लेड विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन।
द टीम प्लेड विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, हो सकता है जो टीम है वो हार गई हो बट उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ खेला, दृढ़ निश्चय के साथ खेला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का हमारा, नेक्स्ट वर्ड है नॉट येट। ये भी बोलचाल में बहुत यूज होता है, सिंपली नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं या अभी तक नहीं। आपने खाना खा लिया तो आप सिंपली बोलते हो नॉट येट, नॉट येट मतलब अभी तक नहीं। तो इसके लिए कोई खास एग्जाम्पल्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो आप सिंपली बोलोगे नॉट येट, अभी नहीं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैज शी फिनिश्ड हर एग्जाम। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, है ना, हैज शी फिनिश्ड हर एग्जाम्स, तो बोलते हो नॉट येट, अभी तक नहीं। और अगर आपको ये भी बोलना हो कि उसका अभी एक एग्जाम बाकी है, तो उसके लिए आप इंग्लिश सेंटेंस क्या बोलते हो, शी स्टिल हैज वन मोर टू गो, शी स्टिल हैज वन मोर टू गो, अभी तक उसका एक एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए somehow, somehow भी एक अच्छा वर्ड है जो बहुत यूज होता है। somehow का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी तरह, somehow, somehow I'll manage, जैसे भी या किसी भी तरह से मैं मैनेज कर लूंगा। तो somehow मतलब जैसे तैसे या किसी तरह। एग्जाम्पल देखिए, somehow I managed to get the job, कैसे भी मैं जॉब पाने में सफल रहा, जैसे भी मैंने नौकरी पा ली। somehow मतलब साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो कैसे भी, तो वहां somehow वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द की वॉज मिसिंग, चाबी गायब थी, ठीक है, खो गई थी, बट somehow, बट किसी तरह I managed to unlock the door, बट किसी तरह मैं दरवाजा खोलने में कामयाब रहा या मैंने मैनेज कर लिया, किसी तरह माने कुछ भी आपने किया होगा, somehow, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड जो बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा, किसी भी चीज का परिणाम या नतीजा। एग्जाम्पल, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, यानी इसका कोई परिणाम नहीं है, ये जो आप कर रहे हो ना, इसका कोई नतीजा आना नहीं है, इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। देख रहे हो आप सेंटेंस कितना ब्यूटीफुल है। आप वैसे भी इसे बोलचाल में भी यूज कर सकते हो कि देख लो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा आएगा, कॉन्सिक्वेंस यानी इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा, देख लो कुछ करने से पहले, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बी रेडी टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, बी रेडी यानी तैयार रहना, टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, अपने काम अपने कार्यों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य या महत्वपूर्ण, जरूरी, है ना, जरूरी को हम बोलते हैं असेंशियल। यानी इंग्लिश सीखने के लिए आपको अल्फाबेट्स या बेसिक स्पेलिंग्स का या फिर टेंसेस का आना असेंशियल है, ठीक है, तो असेंशियल मतलब जरूरी। एग्जाम्पल देखो, एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब, एक्सपीरियंस इज असेंशियल फॉर दिस जॉब, अनुभव इस काम के लिए जरूरी है, असेंशियल है। मनी इज नॉट असेंशियल टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए मनी असेंशियल नहीं है, खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, आप वैसे भी खुश रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या चिंतित होना, है ना, डोंट बी कंसर्न अबाउट मी, मेरे लिए चिंता मत करो, या तुम क्यों कंसर्न हो, मतलब तुम्हें क्या चिंता है, तो कंसर्न ऐसे यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, यानी वो उसके स्वास्थ्य को लेके चिंतित था। नेक्स्ट वर्ड, इट्स नॉट योर कंसर्न, इट्स नॉट योर कंसर्न, कोई अगर जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसता है, इंटरफेयर करता है, तो आप बोलते हो ना कि स्टे आउट ऑफ इट, इट्स नॉट योर कंसर्न, तो ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है, सो स्टे आउट ऑफ इट। तो कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है अच्छा लगना, सबसे पहले तो अच्छा लगना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है संजोना, किसी चीज़ को जब आप बहुत प्यार से संभाल के रखते हो ना, तो उसके लिए चेरिश वर्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, आई चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं हमेशा उसकी यादों को संजो कर रखूँगा। संजो के रखना क्या होता है, एकदम से प्यार से किसी चीज़ को जब आप संभाल के रखते हो तो उसको चेरिश, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्टिल चेरिश द मेमोरी ऑफ दैट डे, I still cherish the memory of that day, यानी मुझे अभी तक उस दिन की बात याद है, यानी मेरे दिमाग में वो अभी तक संजो के रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में boycott। Boycott का मतलब होता है बहिष्कार या बहिष्कार करना,
बहिष्कार का मतलब क्या होता है, समाज से, किसी मीटिंग से या अपने ग्रुप से अगर आप किसी को अलग कर देते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं बॉयकॉट करना। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, है ना, हटाने की कोशिश कर रहा है हमारे यूज़ से, तो बॉयकॉट का ऐसा मतलब होता है बहिष्कार या बहिष्कार करना। एग्जाम्पल, वी हैव बॉयकॉटेड द चाइनीज़ प्रोडक्ट, वी हैव बॉयकॉटेड द चाइनीज़ प्रोडक्ट, हमने चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया नहीं है, वी आर ट्राइंग टू डू दैट, अभी तक वो बॉयकॉट प्रॉपरली हुआ नहीं है। तो बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, समाज से अलग कर देना। वी आर डिटरमाइंड टू बॉयकॉट देम, हम एकदम डिटरमाइंड हैं यानी प्रतिबद्ध हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, हमारा पक्का इरादा है। अभी आपने पढ़ा ना डिटरमाइंड, हमारा एकदम पक्का इरादा है उन्हें, उनका बहिष्कार करने का, समाज से किसी को अलग कर देना, उसको बोलते हैं कि समाज से उसे, उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया है। तो ऐसे टीम से उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया है, तो टीम से उसे अलग कर दिया गया है, तो बॉयकॉट ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक, राइट right? और आपने स्टैंड का एक और मीनिंग सुना होगा, एकदम स्ट्रेट, बिना हिले डुले खड़े होना, या एकदम स्ट्रेट जो होता है ना, एकदम बिना हिले डुले, उसको स्टिल बोलते हैं। डोंट स्टैंड स्टिल यानी एकदम ऐसे बिल्कुल निष्क्रिय से खड़े मत रहो, तो स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, राइट right? और इसका दूसरा मीनिंग जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो होता है अभी भी या अभी तक बोलने में। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्टिल एंग्री, ही इज स्टिल एंग्री यानी वो अभी भी गुस्से में है। नेक्स्ट, शी इज स्टिल वेटिंग फॉर द बस, शी स्टिल वेटिंग फॉर द बस, अभी भी बस का वो इंतजार कर रही है, स्टिल वेटिंग फॉर द बस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, तो स्टिल का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारी लिस्ट में, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, इसका मतलब होता है ना कि एकदम तत्काल तैयार करना या बिना तैयारी के तुरंत व्यवस्था करना, तुरंत बोलना। जैसे कई लोग स्क्रिप्ट बना के वीडियोस बनाते हैं ना, क्या बोलना है, पूरा स्क्रिप्ट को लर्न करेंगे, बट माय वीडियोस आर इम्प्रोवाइज्ड, मैं कभी भी तैयार नहीं करती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ऑन स्पॉट किसी चीज़ को जब हम तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज करना। होप आई एम क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, मुझे पता है कैसे इम्प्रोवाइज करना है, या कैसे सुधार तो नहीं बोलेंगे, इम्प्रोवाइज का आप समझ जाओ मतलब ना, एकदम मुझे पता है कि ऑन स्पॉट कैसे तैयारी करनी है, तो इम्प्रोवाइज करना वो होता है। या नेक्स्ट वर्ड, इफ एन एक्टर फॉरगेट्स हिज वर्ड्स, अगर कोई जो एक्टर है वो अपने शब्द भूल जाता है, तो ही हैज टू इम्प्रोवाइज, तो उसे ऑन स्पॉट सुधार करना पड़ता है या ऑन स्पॉट एक्ट करना पड़ता है ना, तो इम्प्रोवाइज करना यानी एकदम तुरंत किसी चीज की तत्काल तैयारी करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है अनुरूप, किसी चीज के अनुरूप, उचित, उपयुक्त या योग्य, किसी भी चीज के योग्य, किसी चीज के उपयुक्त। मैं किसी चीज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओ, रिलेवेंट का मतलब होता है उस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, यानी ये जो लेसन है वो मैथ्स वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है ना, जो मैथ सीख रहा है उनके लिए ये वोकैबुलरी का जो लेसन है वो रेलेवेंट नहीं है, यानी लेसन भले अच्छा होगा उनके रेलेवेंट नहीं है, उनके लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए उपयुक्त है क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो रेलेवेंट मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंसान चीज के योग्य होना। एग्जाम्पल, सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे सारी उपयुक्त जानकारी सेंड करो। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से कुछ भी मुझे उठा के सेंड कर दो, रिलेवेंट मतलब इस पर्टिकुलर केस के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में जो जरूरी हो, जो योग्य हो, वो सेंड करो। तो रिलेवेंट यानी मुझे सारी उचित जानकारी भेजो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। डू यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्या आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको टेक्नोलॉजी में अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अगर टीचिंग के लिए अगर आपको हायर कर रही हूँ तो आपका वो वाला एक्सपीरियंस तो मुझे काम नहीं आएगा ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्या आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे रेलेवेंट यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट होता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी को फंसाना, उलझाना, मैनिपुलेट करना, उनके दिमाग को मतलब अपने हिसाब से यूज करना, है ना, शातिर तरीके से, तो उसके लिए मैनिपुलेट वर्ड यूज होता है। मैंने लिखा हुआ है अपनी बातों में फंसाकर चालाकी से काम निकालना। एग्जाम्पल, शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, उसे पता है कि लोगों से काम चालाकी से कैसे निकलवाना है। उसने आपको मैनिपुलेट कर दिया है, उसने आपको यानी बहला फुसला दिया है। तो मैनिपुलेट करना मतलब चालाकी से एकदम अपनी बातों में फंसा कर अपना काम निकालना। ही मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियन इन हिज फेवर,
उसने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर दिया है इन हिज फेवर, अपने फेवर में मैनिपुलेट कर दिया, मतलब चालाकी से अपनी पब्लिक ओपिनियन को बदल दिया है अपने काम निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक करना या सही करना या सुधारना। अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, बिल में बिल को रेक्टिफाई करो, तो रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल, यानी मेरे बिल में गलतियों को सुधारो, सुधार करो। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, हमें सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना या उचित साबित करना। किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को जब आप सही साबित करने की कोशिश करते हो ना, तो वो वहाँ पर जस्टिफाई वर्ड यूज़ होता है। जैसे जैसे तुम अब अपनी गलती को ना जस्टिफाई मत करो, मतलब अपनी गलती को तुम सही साबित करने की कोशिश मत करो, तो ऐसे जस्टिफाई यूज़ होता है। एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो आर्ग्यूमेंट कैन जस्टिफाई अ वॉर, कोई भी एक वॉर को, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी तर्क सही साबित नहीं कर सकता। जब भी वॉर होगा नुकसान होगा ही होगा, तो आप कभी भी वॉर को, युद्ध को सही साबित नहीं कर सकते, कोई भी शब्द नहीं साबित कर सकता, है ना। तो नो आर्ग्यूमेंट कैन जस्टिफाई अ वॉर। वर्थ का मतलब होता है के लायक या योग्य, के लायक या योग्य। दैट मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, यानी वो जो मूवी थी देखने के लायक थी। ऐसा नहीं है कि हम फालतू गए, फालतू देख के आए, तो देखने के लायक, किसी चीज़ के लायक होने के लिए वर्थ वर्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, यानी वो तारीफ करने के लायक है। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, परिवार के साथ समय बताना, इज़ ऑलवेज वर्थ इट। वर्थ इट मतलब हमेशा योग्य होता है, परिवार के साथ टाइम बिताना हमेशा सही होता है, सार्थक होता है, राइट ठीक है। तो वर्थ इट ऐसे ही होता, या ही इज वर्दी ऑफ इट, वर्दी मतलब वो इसके लायक है, है ना। वर्थ इट ही सिंपली यूज होता है, चलना तो वर्थ इट था, वर्थ इट था मतलब वहाँ चलना योग्य था, मतलब फालतू नहीं गए आप, ठीक है, वहाँ चलने जाने लायक जगह वो थी, तो ऐसे वर्थ यूज होता है। वर्थ बहुत ज़्यादा यूज होता है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, हालात या अवस्था। उसके सर्कमस्टेंस ही ऐसे हैं कि उसे ये डिसीजन लेना पड़ा, यानी उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसे ये डिसीजन लेना पड़ा। तो सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, हालात या अवस्था। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, ही वॉज अ विक्टिम, विक्टिम मतलब क्या, शिकार। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, यानी वो परिस्थिति का शिकार था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन ट्रस्ट हर इन एनी सर्कमस्टेंस, आई कैन ट्रस्ट हर इन एनी सर्कमस्टेंस, मतलब मैं किसी भी परिस्थिति में, एनी सर्कमस्टेंस, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारी लिस्ट में, एंग्शियस। एंग्शियस या ग है, एंग्शियस, ठीक है। एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या व्याकुल। एंग्शियस, एग्जाम्पल, वी ऑल आर एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, We all are anxious about his health, यानी हम सभी को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, हम सभी चिंतित हैं। Next example, she felt anxious before her job interview. हर कोई job interview के पहले लगभग बेचैन होता ही है, तो उसे हम बोलते हैं वो anxious होता है ना। तुम इतनी anxious क्यों हो, why are you so anxious, तो don't be anxious। तो anxious का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल, ठीक है। Next word क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल देखो, द पुलिस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, पुलिस ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस, जब आप किसी चीज़ के विश्वास की, मतलब किसी की क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ कि वो कितना ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। कोई बिजनेसमैन है, एकदम सुपर पॉपुलर, सक्सेसफुल है, तो वो क्रेडिबल है, आपको पता है कि वो आपको चीट नहीं करेगा। और अगर एकदम कोई नया नया मार्केट में शेयर आया है सपोज, तो वो तक क्रेडिबल नहीं होता ना, उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में होती है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कि आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ऑब्वियसली विश्वसनीयता को बनाने में समय लगता है। वर्ड हमारी लिस्ट में कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या नुकसान की भरपाई करना।
जैसे मुआवजा देना, उसको भी हम बोलते हैं कंपनसेट। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो सरकार जो विक्टिम्स होते हैं उनको कंपनसेट करती है, तो कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, नुकसान की भरपाई करना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू कंपनसेट योर डीड्स, यू हैव टू कंपनसेट योर डीड्स। डीड्स मतलब आपके जो कर्म हैं, आपके जो काम हैं, तो आपको अपने कामों के लिए मुआवजा देना होगा, जो आपने नुकसान किया है उसको आपको कंपनसेट करना होगा। ऐसे ही सिंपली है ना, कंपनसेट करो, कंपनसेशन चाहिए मुझे, तो कंपनसेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉसेस। अगर आपको कंपनी की वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं तो कंपनी को आपको कंपनसेट करना पड़ता है ना, तो कंपनी विल कंपनसेट फॉर योर लॉसेस, कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करेगी। ओके, सो देखते हैं आज का हमारा लास्ट वर्ड जो कि है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना या आंकना। जब आप किसी चीज़ का प्लस माइनस करके, शक्ल देके या कुछ भी करके जब आप आकलन करते हो ना कि ये अच्छा है, बुरा है, योग्य है, नहीं है, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, डोंट इवेल्युएट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। किसी भी व्यक्ति को शक्ल के आधार पर मूल्यांकन ना करें, इवेल्युएट ना करें। हो सकता है वो पुअर दिख रहा हो, बट ही माइट बी रिच। हो सकता है वो आपको ऐसे ही बेवकूफ लग रहा हो, बट वो इंटेलिजेंट हो। सो नेवर इवेल्युएट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। लुक्स देख के आप किसी भी इंसान को इवेल्युएट मत करो, उसका आकलन मत करो। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कांट इवेल्युएट हिज एबिलिटी, आई कांट इवेल्युएट हिज एबिलिटी विदाउट सीइंग हिज वर्क। मैं उसकी एबिलिटी को इवेल्युएट नहीं कर सकता उसका काम देखे बिना। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सक्षम हो, पर मैं उसकी क्षमता कैसे पहचानूँ ना, अगर मैं उसका मैंने काम देखा ही नहीं है, तो हाउ कैन आई इवेल्युएट दैट पर्सन। तो इवेल्युएशन का मतलब ये होता है। सो अभी आपने आई थिंक बहुत यूज़फुल वर्ड सीख लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स यूज़फुल हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगा कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई थी, जो एग्जाम्पल्स बताए थे, वो आपको यूज़फुल लगे कि नहीं, ये वर्ड्स क्या एक्चुअली यूज़फुल हैं। अगर हाँ तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा। अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखते रहना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो चलिए फिलहाल इस लेसन को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।